लेसन फोर फिजिकल साइंस रोल ऑफ सब्सटेंसेस इन एनवायरनमेंट। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ द अर्थ आर मेड फ्रॉम ए रिजर्व ऑफ अबाउट 94 एलिमेंट्स। हाउएवर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट contain each of these 94 elements. Only 22 elements are present in living organism in the form of various compounds. To understand the difference in compositions of human body and the earth crust, let us examine the entries in the following tables. तो ये टेबल में देखो क्या क्या एलिमेंट है। जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम है, पोटासियम है, और क्या क्या है, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सिलिकॉन, सोडियम, तो राइट द नेम ऑफ थ्री नॉन मेटल्स दैट आर मोर अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। क्या क्या नॉन मेटल, जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या क्या मिलता है नॉन मेटल, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मिलता है बॉडी में, और क्या मिलता है, और भी बहुत सारा मेटल मिलता है, जैसे आयरन, पोटासियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, ये सब भी मिलता है। तो एग्जामिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ह्यूमन बैक्टीरियल फंगल प्लांट एंड एनिमल बॉडीज रिवील प्रीवेलेंस ऑफ दिस फोर एलिमेंट CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये ह्यूमन बॉडी में मिलता है, और प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी मिलता है। दिस फोर एलिमेंट्स कॉम्बाइन टू फॉर्म मेनी ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स। कॉम्बाइन होके जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन होके CO2 फॉर्म होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ NO2, ऐसा बहुत सारा कंपाउंड फॉर्म होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सब ऑक्सीजन के साथ मिलके फॉर्म होता है। तो यूटिलाइजिंग दिस कंपाउंड्स एंड यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये सब मिलके क्या फॉर्म होता है प्लांट में, जो खाना फॉर्म होता है उस खाने को क्या बोलता है, स्टार्च बा ग्लूकोज। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो प्लांट एक पिगमेंट है, वो तो कोई एलिमेंट नहीं है। क्लोरोफिल खाना बनाने में हेल्प करता है, लेकिन वो एक पिगमेंट है जो ग्रीन लीफ में होता है। ग्लूकोज इज ए काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैनॉट बी फाउंड अमंग द कंपाउंड्स अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो कंपाउंड मिलता है उसमें ग्लूकोज नहीं होता है। ग्लूकोज कहाँ पे होता है, जो ग्रीन लीफ फॉर्म करता है, अर्थात ग्रीन लीफ जो खाना बनाता है वो है ग्लूकोज। तो इस प्रोसेस को क्या बोलता है, फोटोसिंथेसिस। वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी में क्या क्या कॉम्पोनेंट है, वाटर है, वाटर एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 60% ऑफ द टोटल मास ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। जो ब्लड है, ब्लड के साथ भी क्या है, लिक्विड पोर्शन है, वाटर है। इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज परसेंटेज ऑफ फैट correlates with a decreased percentage of water. जितना fat ज़्यादा होगा तो क्या होगा, water थोड़ा कम हो जाएगा। और
नेक्स्ट टू ऑक्सीजन वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर आवर सर्वाइवल। और ऑक्सीजन के बाद क्या होता है? वाटर, सर्वाइवल। वाटर नहीं होगा तो जीवित नहीं रह सकता लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट को भी वाटर चाहिए, एनिमल को भी वाटर चाहिए। और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसके साथ जो वेस्ट मटेरियल है, हार्मफुल सब्सटेंस है, वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल के चला जाता है। तो बॉडी को प्यूरीफाई करने के लिए भी यूरिन मतलब होते जो एक्स्ट्रा वाटर उसके साथ जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, इसके बोलता है यूरिन। अच्छा, बिसाइड दिस वाटर टेक्स पार्ट इन मेनी केमिकल रिएक्शन। एक्वाटिक प्लांट्स एंड सम एक्वाटिक एनिमल्स लिव अपॉन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसके द्वारा एक्वाटिक प्लांट और एक्वाटिक एनिमल क्या करता है? रेस्पिरेशन के लिए उसमें से ऑक्सीजन ले लेता है। सनलाइट कैन पेनिट्रेट वाटर टू सम एक्सटेंट। सनलाइट भी जाता है। दिस अलाउज द एक्वाटिक प्लांट्स टू मेक फूड। ताले सनलाइट, क्लोरोफिल, एक्वाटिक जो ग्रीन प्लांट है क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी जाता है। और जो एनिमल है वो रेस्पिरेशन के टाइम पर जो कार्बन डाइऑक्साइड देता है वो भी ले लेता है, लेके खाना बनाता है एक्वाटिक प्लांट। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट मेटल आयन, जैसे आयरन। आयरन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल माने RBC, माने जो ब्लड का कलर रेड है। क्यों? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। हीम माने आयरन और ग्लोबिन माने प्रोटीन, इसीलिए हीमोग्लोबिन जब आयरन जब प्रेजेंट होता है ब्लड का कलर रेड होता है। विदाउट फेरस आयन हीमोग्लोबिन कैनॉट बी फॉर्म। अर्थात आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन फॉर्म नहीं होगा। कैल्शियम आवर स्केलेटन, जैसे बोनी स्ट्रक्चर जो है बेंड स्टूप एंड रन, जो स्केलेटन का जो फॉर्म है, जो बोनी स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? कैल्शियम है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बोन इज ए फॉस्फेट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम आयन इज इम्पॉर्टेंट इन मेनी सेलुलर फंक्शन। सोडियम एंड पोटासियम, व्हेन एन एंट बाइट्स यू और समवन टिकल्स यू द सेंसेशन रीचेज योर स्पाइनल कॉर्ड। ताई तो यहाँ पे कोई काटेगा तो उसका सेंसेशन स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड क्या मैसेज भेजेगा कि हाथ को हटाओ। ए प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम रिक्वायर्स द राइट बैलेंस ऑफ सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम पोटासियम बैलेंस ठीक नहीं रहेगा तो क्या होगा? ठीक से खड़ा नहीं हो सकेगा। क्या होगा? गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, उसका बॉडी अनबैलेंस हो जाता है, बॉडी का बैलेंस ठीक नहीं रहता है इन योर बॉडी। अदरवाइज वन मे बिकम सेंसलेस, सेंसलेस हो जाता है और फॉल गिर जाता है वाइल वॉकिंग, चलने के टाइम पर। तो सोडियम पोटासियम ये नर्वस सिस्टम का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। फोर टाइप्स ऑफ सच कंपाउंड्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ये भी बहुत ज़रूरत है, ये हम सब का ह्यूमन एनिमल सब कैसे लेता है? खाने के साथ। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड ये भी ज़रूरत है। कुछ खाने में कार्बोहाइड्रेट है जैसे राइस, व्हीट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। प्रोटीन है फिश, दाल, पालसे, सोयाबीन, बीन, मीट, चिकन, फिश। और लिपिड है ऑयली फूड जो होता है, बटर, ऑयल, घी, ये सब।
तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अटैक ऑफ जर्म जर्म दैट प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है और पूरा बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? एयर से, लंग के द्वारा ऑक्सीजन। और लंग से क्या होता है? ब्लड में जाता है, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरा बॉडी में सप्लाई करता है। अच्छा, वेरियस एंजाइम स्पीड अप द न्यूमरस केमिकल रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डाइजेशन ऑफ फूड किलिंग जर्म जर्म को खत्म करता है वेरियस एंजाइम। पार्ट ऑफ ए प्लांट बॉडी अंडरग्राउंड रूट रूट कौन कौन है? जैसे बीट रूट, कैरट, रेडिश, ये सब रूट है जो हम सब खाता है, ये अंडरग्राउंड सॉयल के नीचे है। और स्टेम क्या क्या है? जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ऑनियन, ये सब स्टेम है। शुगर केन और कुछ फ्रूट तो एप्पल, लेमन, मैंगो। मैम बनाना फ्रूट का नेम? मैम बनाना, केला है। जैसे लेमन, राइम, मैंगो, पाइन एप्पल, इसका टेस्ट कैसा है? सावर टेस्ट, खट्टा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, ये फ्रूट में जो सावर टेस्ट आता है क्योंकि उसमें एसिड है। एसिड का टेस्ट कैसा है? खट्टा टेस्ट है। जैसे बहुत सारा फ्रूट में बहुत सारा एसिड है। देखो एप्पल में मैलिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड, टैमरिन में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कार्ड में लैक्टिक एसिड, विनीगर में एसिटिक एसिड, सोडा वाटर कार्बोनिक एसिड, म्यूरिएटिक एसिड होच्छे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सब एसिड का नेम है, ऐलान करना होगा क्योंकि अलग अलग फ्रूट में अलग अलग एसिड है। टमाटर में तीन तरह का एसिड होता है। और टमाटो में विटामिन ई भी है, एसिड भी है, और सारा फ्रूट में विटामिन भी है। जो खट्टा टेस्ट है उसमें क्या है? विटामिन सी है। और टोमेटो में विटामिन ई भी है। कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, बेस क्या है? जैसे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, विनीगर सॉल्यूशन, लाइम वाटर। तो ये सब सॉल्यूशन है, इसमें से विनीगर क्या है? एसिडिक। एंड बेस क्या है? बेस होच्छे जो सोप है, साबुन है, डिटर्जेंट है, इसमें बेस है। और विनीगर, लाइम वाटर, ये सब क्या है? एसिड। अच्छा, एक्वियस सॉल्यूशंस ऑफ स्लेक लाइम, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटास, ये सब होच्छे अल्कलाइन। डाइल्यूट अल्कलाइन सॉल्यूशंस हैव ए बिटर टेस्ट। एसिड में जैसे सावर टेस्ट है, बेस में क्या है? बिटर टेस्ट। जैसे सोप, सोप जब सोप को टेस्ट करोगे दिखोगे थोड़ा तीता तीता है, मतलब बिटर टेस्ट आता है। सोप साबुन, साबुन एंड ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अपीयर स्लिपरी व्हेन रैप्ड विथ टू फिंगर्स। और सोप थोड़ा स्लिपरी होता है, फिंगर के द्वारा रैप करोगे तो स्लिपरी होता है। रिमेम्बर दैट द कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर योर स्किन एंड आईज। ये बहुत हार्मफुल है। एसिड तो हम सब खाता है जैसे फ्रूट के साथ चला जाता है, जो यूजफुल एसिड है। जो हार्मफुल एसिड है जैसे टॉयलेट साफ करने के लिए, वो सब तो बहुत खतरनाक है स्किन के लिए, स्किन एकदम जल जाता है। लेकिन सोप क्या है? सोप भी स्किन के लिए, आई के लिए हार्मफुल है, जलन सा होता है, आई में चला जाएगा।
तो यूज करने से पहले प्रिकॉशन लेना चाहिए। एसिड्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एज फॉर इंस्टेंस द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ म्यूरेटिक एसिड अवेलेबल इन द मार्केट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टोमक। स्टोमक में ऑटोमेटिकली एक एसिड प्रोड्यूस होता है जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक HCl टू हेल्प इन द डाइजेशन, जो एसिड डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन वो एसिड ज़्यादा हो जाएगा तब भी एसिडिटी फॉर्म होगा, अम्बोल गैस जिसे कहता है, तब एसिड फॉर्म होगा, गैस फॉर्म होगा और चेस्ट में जलन सा होगा। ज़्यादा ज़्यादा एसिड खाओगे तो क्या होगा, ऐसा एसिड फॉर्म होगा ज़्यादा और इसमें से जलन सा होता है, ज़्यादा एसिड फॉर्म होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिकेटर,